हमीरपुर जिला का एक और लाल आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादी मुठभेड़ में हमीरपुर जिला के गलोर गांव का जवान रोहिन शहीद हुआ है। रोहिन कुमार उमर 24 साल सपुत्र रशील कुमार के शहीद होने का समाचार गांव में मिलते ही सारा गांव गमगीन हो गया और पूरे गाँव में मातम सा छा गया है। रोहिन की नवम्बर में शादी होनी थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। रोहिन 4 साल पहले ही सेना में भर्ती हुआ था। शहीद रोहिन के पार्थिव शरीर के देर शाम तक गांव में पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद गांव के ही शमशान घाट में रोहिन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद रोहिन के पिता रसील कुमार ने बताया कि बचपन से ही फौज में जाने का सपना मन में पाले हुए थे और आज बेटे की शहादत पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि बेटे की शहादत की खबर सुनते ही परिवार सदमे में है। लड़का भाई होता है, इसका मन तो मन नहीं था कि मैंने भर्ती होना है, बस इसलिए ही तो है। बहुत अच्छा लड़का था, भाई बहुत अच्छा लड़का था। और देश के काम आए, और मुझे इस पर गर्व है। रोहिन के चाचा अनिल वर्मा ने कहा कि रोहिन के शहीद होने पर बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने कहा कि सरकार आर पार की लड़ाई की बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं करके आए दिन कहीं ना कहीं के बेटे शहीद हो रहे हैं। नुकसान परिवार का हुआ है, माँ का हुआ है, बेटे का हुआ है, गांव का हुआ है, प्रदेश का हुआ है, देश का हुआ है। मेरा कहना तो ये है कि ये दौर कब तक चलता रहेगा, ये सरकार कब आर पार की लड़ाई लड़ने की बात करती है, कब लड़ेगी, ताकि इस देश के, इस गांव के, इस प्रदेश के बच्चे जो हैं उनकी शहादतें ना हो। अब इस बच्चे को मैं बचपन से देखता था कि इसने सुबह तैयार होकर सड़क के ऊपर मिलना या प्ले ग्राउंड में मिलना, और इसका एक टारगेट था कि मैंने आर्मी में जाना है, और आर्मी में ये गया। अभी फरवरी में छुट्टी काट के गया, नवंबर में इसकी मैरिज फिक्स करी हुई थी अपने हमीरपुर के साथ ही गांव में है। तो रात जो उसकी दादी माँ थी वो बड़ी खुशी खुशी सारे गांव में निमंत्रण दे दी थी, आधे पौने गांव को निमंत्रण दे दिए, सारा मटेरियल सारा तैयार है, बाकी आज इन्होंने संपूर्ण करना था सारा। तो ये देश के लिए जो शहादत हुई है, ये यकीनन माँ बाप के लिए गौरव की बात है। ऐसे बेटे सब माँ बाप को मिले हैं, वो निश्चित तौर से एक बहुत ही होनहार और सुशील बच्चा था, मतलब जिसको सिर्फ माँ बाप ही नहीं सारा गांव, सारा इलाका उसको याद करता रहेगा, बाकी वतन भी याद करेगा। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि आने वाले वक्त में सरकार को इसके ऊपर, पहले अंकुश वाला हुआ, अब ये हुआ, कोई महीना खाली नहीं जाता है कि हमीरपुर से, हिमाचल से, जहाँ अपने नॉर्थ से मेन राजस्थान, हरियाणा, जे एंड के, उत्तरांचल वगैरह से कोई बच्चा जो है वो शहादत के लिए पूरा नहीं होता है। तो ये एक किस्म का जो शांति प्रयास है, शांति प्रयास नहीं चाहिए, बदले का बदला चाहिए। हालत जैसे चाइना बॉर्डर के ऊपर देखिए, वो किसी और तरह की चीज़ है, लेकिन यहाँ इंसर्जेंसी है, यहाँ इरादे कुछ और हैं। ये ऐसा लगता है जैसे ना कभी अंत होने वाली बीमारी लगती है, तो इसका अंत सरकार ही कर सकती है, और अगर तय कर लेंगे तो यकीनन, जैसे इस बच्चे की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो वहाँ के कोई अथॉरिटीज़ के साथ हमारे एक जिसकी उनकी बात हुई कि एक बच्चा जो जिससे डेथ हो गई, जिसकी कैजुअल्टी हो गई, इसने उसकी गन भी साथ लेके वो आखिर तक लड़ता रहा, उसको बुलेट लगी, हालांकि हॉस्पिटलाइज किया और हॉस्पिटलाइज में जाके वो उसका कंबल कर गया। तो हमारे सारे गाँव की, सारे इलाके की श्रद्धांजलि उस वीर सपूत को है। वो वीर सपूत जो वो अमर रहेगा है, और सूर्य चांद की तरह चमकता रहेगा, और सारा गांव, सारा इलाका उसको याद करता रहेगा।